नेता कुमार विश्वास आज पूरे दिन सफाई देते देते परेशान रहे। मामला एक महिला से जुड़ा है। इसका आरोप है कि कुमार विश्वास के साथ उसकी तस्वीर सामने आने से उसे बदनामी झेलनी पड़ी। महिला कह रही है कि उसने कुमार विश्वास और केजरीवाल से मामले को खत्म करने की गुहार लगाई, लेकिन वो खामोश रहे। मेरा घर तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से बाहर कर दिया है। मेरे दो छोटे छोटे से बच्चे हैं। मेरे खिलाफ कंप्लेंट है? मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट है? ढूंढ के लाइए। मेरे खिलाफ कंप्लेंट है? डिनाई नहीं किया तो मैं क्या करूं? मैंने उसको बड़ बुला के डिनाई करा, उसके पति को समझाया, अब मैं कहाँ डिनाई करूं? मेरे खिलाफ कंप्लेंट है क्या? मेरे खिलाफ कंप्लेंट है? पहले मुझे मेरे खिलाफ कंप्लेंट है? कंप्लेंट है ये? नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है मेरे खिलाफ। यही वो तस्वीरें हैं जिसके सोशल मीडिया में आते ही एक महिला की शादी टूटने के कगार पर है और सवालों के घेरे में है आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास। दरअसल सोशल मीडिया पर ये खबरें कई दिनों से चर्चा में थी कि लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी में उनके इस महिला के साथ करीबी रिश्ते बने, लेकिन जब सोशल मीडिया में ये तस्वीरें धड़ल्ले से आईं, तो महिला ने कुमार विश्वास और केजरीवाल दोनों को चिट्ठी लिखी। उसने लिखा, मैं चाहती हूं कि आप मीडिया के माध्यम से देश की जनता को बताएं कि मैं आपकी पार्टी की कार्यकर्ता हूं। मेरा और आपके डॉक्टर कुमार विश्वास जी के बीच कोई अनैतिक संबंध नहीं है। मेरा घर टूटने से बचाना चाहिए। वैसे वो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, महिलाओं को ये करेंगे, महिलाओं के लिए वो करेंगे। जब वो एक महिला की ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो देश की सुरक्षा क्या करेंगे? देश की महिलाओं की सुरक्षा क्या करेंगे? जब से सुबह से हुआ है मेरे शुभचिंतकों में कईयों का फोन आया, अरे आप किस जिंदगी में फंस गए साहब, छोड़िए आप तो ठीक हैं, कभी ता की तरह तरफ जाइए, कभी सम्मेलन करिए, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। हमने ये बीड़ा उठाया है इस खराब राजनीति को ठीक करने का, तो करेंगे। अहम बात ये है कि महिला ने साफ कहा है कि उसे धमकी भी दी गई है। तो मुझे धमकी भी दी गई है, मुझे अपनी जान का खतरा भी है। उन्होंने मुझसे कहा कि संतोष कोहली की तरह मरवा भी दी जा सकती हो, और रात को मेरे पास उनके शैल का एक कॉल आया था, उसने भी मुझे कुछ बोला है और वो सब रिकॉर्ड ही है मेरे पास। महिला ने दिल्ली महिला आयोग का दरवाजा भी खटखटाया है, जिसके बाद आयोग ने कुमार विश्वास को समन भेजा है, 5 मई यानी मंगलवार को पेश होने के लिए कहा है, और ये भी कहा है कि महिला को धमकाने के आरोप पर आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। एक औरत को धमकाने का, उसको डराने का और सीधे सीधे ये कहने का कि आपको आपका मर्डर भी हो सकता है, और हमारे पास तो इनके हाथ से लिखी हुई कंप्लेन है, उसमें हम एक्शन लेंगे। अगर कल वो नहीं आएंगे तो हम एक्शन लेंगे। फिलहाल बदनाम करने के आरोप में 29 अप्रैल को महिला ने दिल्ली के नंद नगरी में FIR दर्ज करवाई है। आपके 3 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महिला एक तरफ कुमार विश्वास से सफाई चाहती थी और कुमार विश्वास BJP पर आरोप लगा रहे हैं। उस पूरी मेल में, उस पूरी मेरे पास अब भी रखी हुई है, जो उस बच्ची ने भेजा, उसमें लिखा, भैया मैंने रिपोर्ट करा दी, अब आगे क्या करना है। उसने लिख के भेजा, भैया कुमार भैया मैंने ये स्टेप ले लिया, अब आगे भैया क्या करना है। तो हमारी लीगल सेल ने कहा, भाई आप FIR करा दीजिए, कुछ हो। लेकिन सवाल ये है कि धमकी वाले आरोप पर कुमार खुलकर क्यों नहीं कुछ बोले, और केजरीवाल को अगर ये सब कुछ मालूम था तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। प्रतिभा सारस्वत और शिवानी त्यागी के साथ अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक पत्रकार इस महिला को मीडिया से बात करने से पहले समझा रहा है कि उसे क्या कहना है। इस मामले पर जगत अवाना नाम के इस पत्रकार ने इंडिया न्यूज पर सफाई। जहां तक समझाने वाली बात है, मैंने केवल उनको ये बोला था कि आपके खिलाफ ये खबरें चल रही हैं, उन आम आदमी पार्टी वालों ने आपके लिए ये बोला है, तो आप उसमें सफाई दीजिए कि आप उसकी एजेंट नहीं है, और आपको जो धमकियां मिल गई उनका खुलासा कीजिए मीडिया के सामने, साबित कर दीजिए। कोई भी चैनल वाला है, कुमार विश्वास साबित कर दे कि मैं एजेंट हूं। मैं तो किसी कांग्रेस के नेता को अब जानता भी नहीं हूं, मैं जाता नहीं किसी के पास। साबित कर दे, वो जो जुर्माना कहेंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। अंदर की बात यह है कि पूरे मामले पर अगर आम आदमी पार्टी को कुमार विश्वास की सफाई जरूरी नहीं लगती तो उसके पीछे कानूनी पहलू है। आरोप लगाने वाली लड़की ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे कुमार विश्वास पर सीधे सीधे कोई मामला बनता हो। इसी वजह से आपके नेता विरोधियों पर हमलावर हैं।